अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो देने आ रहे हैं, तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इबरतनाक वीडियो भी है। गद्दार किसे कहते हैं? चाइना में दो मूर्तियां हैं, एक आदमी की एक औरत की। उस मूर्ति का क्या रहस्य है, क्या है वजह उसकी? जो लोग वहां से कोई भी गुजरता है उस पर थूक देता है या उस पर पेशाब कर देता है या उसको चेहरे को कालिक से पोत देता है। क्यों इतनी नफरत है उन मूर्तियों के अलावा? क्या सच्चाई है? वो कौन लोगों की मूर्ति है जो कम से कम 800 साल से वो मूर्ति बनी है और उस पर यही होता है, जो भी निकलता है उस पर पेशाब करना, उस पर थूक देना, उसका उनमें कालिक मल देना। क्यों करते हैं? क्या हकीकत है? क्या सच्चाई है चाइना की इस मूर्तियों की? तो आइए हमें जानने की यही कोशिश करते हैं इस वीडियो जरिए से। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो बेहतरीन है और इसको अच्छे लगे तो उसको शेयर भी करिए और लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, पत्थर से बनी हुई ये दोनों मूर्तियाँ कोई आम मूर्तियाँ नहीं हैं, बल्कि ऐसी ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं जो हमारे पड़ोसी देश यानी चाइना में लगभग 800 साल से मौजूद हैं। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना के लोगों ने ना तो इन मूर्तियों को पूजा करने के लिए बनाया है और ना ही चाइना के लोग इन मूर्तियों से मोहब्बत करते हैं, बल्कि चाइना के लोग तो इन मूर्तियों से हद से ज़्यादा नफरत करते हैं। इतनी नफरत कि इस मूर्ति के पास से गुजरने वाला हर चाइनीज़ इंसान उसके ऊपर ये ज़रूरी समझता है कि वो गुजरते वक्त इस मूर्ति पर एक बार ज़रूर थूके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन मूर्तियों के चेहरों पर कालिक पोतते हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे शरारती लोग भी हैं जो कि पेशाब तक कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर चाइना देश में जगह जगह पर मौजूद ये दोनों मूर्तियाँ किन दो इंसानों की हैं और आखिर इन दोनों इंसानों ने अपने ज़माने में ऐसी क्या गलती कर दी थी कि जिसकी वजह से आज तक चाइना में रहने वाला हर इंसान इन दोनों लोगों से नफरत करने के साथ साथ इनके बने हुए स्टैचू पर थूकना और पेशाब करना भी अपने लिए फ़ख्र की बात समझता है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये मशहूर स्टैचू एक ऐसे आदमी और उसकी बीवी का है कि जो आज से लगभग 900 साल पहले चाइना देश में पैदा हुआ था। एक ऐसा आदमी कि जिसको चाइना के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। एक ऐसा गद्दार कि जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी और इस गद्दार को आज तक किन्हुई के नाम से जाना जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 11वीं सदी से कि जब चाइना के इलाके में सोंग नाम की एक हुकूमत राज किया करती थी। सोंग नाम की सल्तनत के बादशाह बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद हुआ करते थे। उसी ज़माने में ही एक गरीब घर में किन्हुई नाम के इस बच्चे की पैदाइश हुई थी। किन्हुई बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार और तेज़ दिमाग था और उसकी होशियारी की वजह से ही बचपन से ही लोग उसको दूर दूर तक जानने लगे थे। अपनी चालाकियों की बदौलत बहुत कम उम्र में ही किन्हुई उस ज़माने की चाइना की हुकूमत यानी सोंग हुकूमत के शाही महल में नौकरी पाने में कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों, उस ज़माने में सोंग हुकूमत के ऊपर एक ख़तरा भी मंडरा रहा था और यह ख़तरा कोई और नहीं बल्कि पड़ोस की वो ताकतवर हुकूमत थी कि जिसको आज के ज़माने में हम लोग जिन हुकूमत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिन हुकूमत कबायली लोगों की एक ऐसी हुकूमत थी कि ये लोग जिस इलाके पर भी हमला कर दिया करते थे उस इलाके को बर्बाद कर दिया करते थे, फतह किए हुए शहर को पूरी तरह से उजाड़ दिया करते थे, बच्चों और औरतों को ग़ुलाम बना लिया करते थे और सारे आदमियों को कत्ल कर दिया करते थे। अब धीरे धीरे ये लोग चाइना के इलाकों में इतना ज़्यादा ताकतवर हो गए थे कि लोगों ने चाइना की सबसे बड़ी हुकूमत यानी सोंग हुकूमत पर हमले करना भी शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सोंग हुकूमत के बादशाह बहुत ज़्यादा शरीफ और अमन पसंद हुआ करते थे, इसलिए जब सोंग हुकूमत के बादशाह ने अपने ऊपर जिन हुकूमत का ख़तरा देखा तो अपनी हुकूमत के लोगों को जंग से बचाने के लिए जिन हुकूमत की तरफ अपना एक काफिला रवाना किया, जिस काफिले का मकसद सुलह करना था। यानी सोंग हुकूमत का बादशाह जिन हुकूमत के बादशाह से समझौता करना चाहता था। और दोस्तों, सोंग हुकूमत के बादशाह ने इस काफिले का सरदार जिस इंसान को बनाया था वो कोई और नहीं बल्कि किन्हुई था, क्योंकि दोस्तों बादशाह की नज़र में उसके महल में किन्हुई से ज़्यादा समझदार और होशियार इंसान कोई नहीं था। इसलिए बादशाह को लगता था कि जिस तरह से किन्हुई हर चीज़ को हैंडल कर सकता है उस तरह से शायद दूसरा इंसान नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, किन्हुई जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा होशियार और समझदार था तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा चालाक और मक्कार और लालची इंसान भी था। यही वजह है कि जब वो समझौता करने वाले काफिले का सरदार बनकर जिन हुकूमत की राजधानी पहुंचा तो उसने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया और जिन हुकूमत के बादशाह की तरफ से दिए गए लालच के बदले में किन्हुई ने अपनी ही हुकूमत की सारी खुफिया जानकारी जिन हुकूमत के बादशाह तक पहुंचानी शुरू कर दी। और अब धीरे धीरे किन्हुई जिन हुकूमत का वो जासूस बन चुका था कि जो दिखने में तो सोंग हुकूमत में था लेकिन सारी सोंग हुकूमत की खुफिया जानकारी जिन हुकूमत तक पहुंचा दिया करता था। देखने वालों को ये एहसास हुआ करता था कि किन्हुई हमारी सोंग हुकूमत का एक वफादार सिपाही है जो जिन हुकूमत और सोंग हुकूमत के बीच समझौते की कोशिश कर रहा है और हम लोगों को जंग से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, किन्हुई एक सफीर की शक्ल में अंदरूनी तौर पर जासूसी का काम अंजाम दे रहा था और धीरे धीरे सोंग हुकूमत की लगभग सारी ही खुफिया जानकारी किन्हुई ने जिन हुकूमत तक पहुंचा दी थी, जिस खुफिया जानकारी की मदद से आखिरकार एक दिन जिन हुकूमत की ताकतवर फौज ने सोंग हुकूमत की राजधानी पर हमला कर दिया और ये हमला इतना खतरनाक और तेज़ था
कि चाहकर भी सोंग हुकूमत इस हमले का मुकाबला ना कर सकी, और जिन हुकूमत की जालिम और ताकतवर फौज ने शहर को फतह करने के बाद वो तबाही मचाई कि जिसको अल्फाजों में बयान करना एक मुश्किल काम है। उन लोगों ने हज़ारों आदमियों को कत्ल करने के बाद सभी बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया था, और पूरे शाही ख़ानदान को भी गुलाम बनाकर वो अपने साथ अपनी राजधानी वापस ले गए थे। गुलाम बनाए गए इन लोगों में किन्हवी और उसकी एक बीवी भी मौजूद थी, यानी इन दोनों को भी जिन हुकूमत की फ़ौज गुलाम बनाकर अपने साथ वापस अपनी हुकूमत की राजधानी ले गई थी। लेकिन दोस्तों, किस्मत से जिस वक्त जिन हुकूमत की फ़ौज ने यह ख़तरनाक हमला किया था, उस वक्त सोंग हुकूमत का एक शहजादा किसी ज़रूरी काम की वजह से अपने शहर से बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से वह जिन हुकूमत के हाथों कत्ल होने या फिर कैदी बनाए जाने से बच गया था। लेकिन दोस्तों, जब वो शहजादा अपनी हुकूमत की राजधानी वापस आया तो गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि उसकी हुकूमत पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। लिहाजा दोस्तों, उस शहजादे ने अपनी उजड़ी हुई और बची हुई सोंग हुकूमत को एक बार फिर से ताकतवर बनाकर जिन हुकूमत से बदला लेने का इरादा किया। दोस्तों, चाइना के ज्यादातर लोग तो पहले से ही जिन हुकूमत के जुल्म की वजह से उससे नफरत किया करते थे। इसी वजह से उन लोगों ने सोंग हुकूमत के इस नए नवेले बादशाह को सपोर्ट किया और उससे ये वादा किया कि हम मरते वक्त तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और हर हाल में हम उस हुकूमत को दोबारा हासिल करके रहेंगे जो हुकूमत हमसे छीन ली गई है। जिसकी वजह से फौरन सोंग हुकूमत में नई फौज बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। दोस्तों, इसी ज़माने में ही चाइना के इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा भी सामने आया था, जिसको आज के ज़माने में हम लोग यूफी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये वही योद्धा था कि जिसकी मदद से सोंग हुकूमत ने एक बार फिर से जिन हुकूमत से वो सारे इलाके छीन लिए थे, कि जिन इलाकों पर जिन हुकूमत ने धोखे से कब्जा किया था, यानी इस योद्धा ने सोंग हुकूमत में एक बार फिर से जान फूंक दी थी। और अब ऐसा महसूस होने लगा था कि एक बार फिर से यूफी की मदद से सोंग हुकूमत पूरे चाइना पर कब्जा कर लेगा। लेकिन दोस्तों, जिस ज़माने में यूफी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था, उसी ज़माने में ही अचानक से एक दिन किन्हवी अपने बीवी बच्चों के साथ वापस अपनी सल्तनत में आ गया, और उसने सोंग हुकूमत के नए बादशाह को बताया कि वो चुपके से जिन हुकूमत की जेल को तोड़कर आया है, यानी वो कैद से भाग कर आया है। हालांकि दोस्तों, सोंग हुकूमत के ज़्यादातर चालाक और होशियार वजीरों ने उसकी इस बात का भरोसा नहीं किया था, और उनको यकीन था कि किन्हवी एक बार फिर से उनके साथ धोखा कर रहा है। लेकिन सोंग हुकूमत के बादशाह ने किन्हवी पर भरोसा करने के साथ साथ उसको अपना वजीर आजम भी बना लिया, यानी उसको अपना नया प्रधानमंत्री बना लिया। और अब इस तरह से किन्हवी सोंग हुकूमत का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। दोस्तों, किन्हवी ने सोंग हुकूमत का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी बनते ही वो सारे काम शुरू कर दिए कि जिनकी वजह से वो जिन हुकूमत से वापस सोंग हुकूमत में आया था, और उसने सबसे पहले सोंग हुकूमत के बादशाह को यूफी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और बादशाह सलामत को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये यूफी की बढ़ती हुई ताकत और बढ़ती हुई शोहरत बादशाह के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि सल्तनत के लोग बादशाह सलामत से ज़्यादा यूफी के दीवाने हैं और यूफी के लिए कटने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। हो सकता है किसी न किसी दिन यूफी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर बादशाह के खिलाफ ही बगावत कर दे और अपनी नई हुकूमत का ऐलान कर दे। इसलिए बादशाह सलामत को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यूफी से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें, वरना आने वाले दिन उनके लिए ख़तरनाक साबित होंगे। किन्हवी की ये झूठी और बकवास बातें बादशाह सलामत के दिमाग में उतर गई, और बादशाह सलामत को भी अब ये महसूस होने लगा कि शायद किन्हवी सही कर रहा है और यूफी मेरे लिए बहुत ख़तरनाक है। इसलिए बादशाह सलामत ने फौरन ये ऑर्डर जारी किया कि हमारी हुकूमत की फ़ौज को फौरन वापस बुला लिया जाए। फौज के वापस आते ही बादशाह सलामत ने यूफी को फौरन कैद करवा दिया और अपने सिपाहियों को ये ऑर्डर जारी किया कि जेल के अंदर यूफी के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया जाए, ताकि जल्द से जल्द यूफी उन सारे गुनाहों को कबूल कर ले कि जो गुनाह उसने किए ही नहीं है। दोस्तों, लाख कोशिशों के बावजूद जब चाइना के लोगों के सामने यूफी ने वो गुनाह कबूल नहीं किए कि जो गुनाह उसने नहीं किए थे, तो फिर किन्हवी ने उसको ख़त्म करने का दूसरा प्लान बनाया और अपनी बीवी के जरिए से यूफी को जहर पिला दिया, जिसकी वजह से अब यूफी की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, यूफी जैसे बहादुर योद्धा की मौत हो जाने के बाद सोंग हुकूमत के लोग अपने बादशाह से नाराज़ हो गए और उन सारे लोगों के हौसले पस्त हो गए। उन लोगों ने अपने बादशाह की मदद करने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे एक बार फिर से सोंग हुकूमत के हालात ख़राब होना शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ जिन हुकूमत की ख़तरनाक जालिम फौज जो पहले से ही मौके की तलाश में बैठी थी और सिर्फ किन्हवी के इशारे का इंतजार कर रही थी, उसने ऐसे हालात देखकर एक बार फिर से सोंग हुकूमत पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सोंग हुकूमत के एक बार फिर से बुरे दिन शुरू हो गए। और इन्हीं बुरे दिनों का फ़ायदा उठाकर किन्हवी ने अपनी पड़ोसी हुकूमत यानी जिन हुकूमत के साथ एक समझौता किया, जिस समझौते के तहत सोंग हुकूमत के वो सारे इलाके एक बार फिर से जिन हुकूमत के हवाले कर दिए गए कि जिन इलाकों को यूफी ने फतह किया था। इसके अलावा इस समझौते में ये भी लिखा गया था कि हर साल सोंग हुकूमत को जिन हुकूमत को एक भारी टैक्स भी देना होगा। इसके अलावा सबसे खास चीज़ जो इस समझौते में लिखी गई थी वो ये थी कि अब किन्हवी हमेशा सोंग हुकूमत का प्रधानमंत्री बना रहेगा, यानी सोंग हुकूमत का कोई भी इंसान किन्हवी को प्रधानमंत्री के पद से उस वक्त तक नहीं हटा सकेगा जब तक जिन हुकूमत के बादशाह की मंजूरी ना मिल जाए। यानी दोस्तों, अब इस तरह से किन्हवी सोंग हुकूमत के बादशाह से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका था और मरते दम तक उसने बची हुई इस कमज़ोर सोंग हुकूमत पर हुकूमत की थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और दुनिया बदलती गई, और फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब हमारी दुनिया में ना तो किन्हवी जिंदा था और ना ही जिन हुकूमत बाकी रह गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के दिलों में यूफी की मोहब्बत बाकी थी,
यही वजह थी कि आगे चलकर चाइना के लोगों ने अपने हीरो यानी युफी की जगह पर मंदिर बनाने शुरू कर दिए थे। और जहाँ जहाँ पर युफी का मंदिर बनाया जाता था उस मंदिर के ठीक बाहर किन्हुई और उसकी बीवी की दो मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं। और इन मूर्तियों पर न सिर्फ लोग थूका करते थे बल्कि कचरा भी डाला करते थे और वक्त वक्त पर इन मूर्तियों के साथ अजीबोगरीब हरकत करके अपने उस गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करते हैं कि जो गुस्सा उनको किन्हुई का इतिहास पढ़ने के बाद चढ़ जाता है। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आप तो दोस्तों ये तमारा रिएक्शन जो मैं देखा चाइना का, ये 800 साल से इस मूर्ति के साथ ऐसा ही हो रहा है। लोग जो निकलते हैं उसका पेशाब कर देते हैं, थूक देते हैं, काले पोत देते हैं। तो ये थी इनकी गद्दारी की सजा, जिनकी वजह से हज़ारों आदमी मारे गए बेगुनाह। तो गद्दारी बहुत बुरी चीज़ है, लालच, गद्दारी, धोखेबाजी सब बहुत ख़राब काम है। हमेशा के लिए देखिए इबरत का निशान बना दिया है लोगों ने, और उस पर पेशाब करना, थूकना, ये काम ऐसा दुनिया में करके जाइए कि आपकी अच्छाइयों के साथ इंसान लोग आपको याद करें, आपके हक में दुआ करें, ना कि ऐसा कोई काम करके जाएं कि आदमी जब तक के उसको वो उस चीज़ को पता चले उस पर थूके, पेशाब करे या उसको बुरा बुला जाए। तो कोशिश करना चाहिए, अच्छे से अच्छा काम दुनिया में करके जाना चाहिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए अच्छे काम। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।